नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर पेंच और कन्हान की सबसे महत्वाकांक्षी बहुप्रतीक्षित कोयला खदान का उद्घाटन कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंटरनेट के माध्यम से रिमोट दबाकर की। कोयला मंत्री ने ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि यह छिंदवाड़ा जिले पेंच और कन्हान एरिया के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। धनकशा और शारदा प्रोजेक्ट माइंस खुलने से करीब 5,500 लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे कोयलांचल की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। शारदा प्रोजेक्ट और धनकशा के उद्घाटन पर श्रमिक संगठनों और कोल मजदूरों ने कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी का आभार व्यक्त किया। ये निम्नतम है, हम G11, G12, G13 हमारा प्रोडक्शन हो रहा है। बस हमारी जो ओपन कास्ट माइनिंग थी, जो चल रही थी, बरकोई, शिवपुरी, उर्जन, जो लाइफलाइन थी, वो पिछले एक दो साल से हम चला नहीं पाए। कारण आप जान रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हमारा फेल कर गए, हमने टर्मिनेट करना पड़ा और अभी हम रीटेंडरिंग। अच्छी बात यह है कि अब हम ट्रैक पर आ रहे हैं, हमको नई मायने खोलनी होगी, जो बंद मायने उसको चालू करनी होगी। हमारे CMD साहब जो बराबर सक्रिय रहते हैं, आप सब जानते हो कि वो दिन रात लगे रहते हैं कि वैकोली को किस तरह 1,000 करोड़ के प्रॉफिट में लाया जाए। उनको हेडक्वार्टर डबकोल इंडिया से और मिनिस्ट्री से वो बराबर इंटरेक्शन में रहते हैं और आज इसी का फल है कि आप धनकशा माइन को खोल पाए, एक नया पेंच एरिया को एक नया आयाम मिला और आने वाला वर्ष और मैं अगर हमारा टेंडर खुलेगा उर्धन का, तो आने वाला समय पेंच एरिया के लिए स्वर्णिम रहेगा। जो हमारे 20 लाख